देखिए हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कितने पार्ट्स में है। तो उसको समझने के लिए आज का जो टॉपिक है वो है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके साथ ही पॉइंट जो चार्ज है, पॉइंट किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको मेजर करेंगे। तो वेलकम रवि सर फिजिक्स क्लासेस, और स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, और टॉपिक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस द फील्ड स्ट्रेंथ डज नॉट वेरी एंड द फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली स्पेस्ड। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसकी डायरेक्शन भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इन दिस सिचुएशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ऐसा नहीं कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, ऐसा भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी सेम रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो गैप है ना स्पेस है, वो स्पेस भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस पे हैं, और इक्वली स्पेस के साथ साथ क्या है बेटा, इसमें डायरेक्शन भी सेम है। तो इक्वली स्पेस्ड और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। ये इन दोनों की डायरेक्शन देखें तो भी सेम है, यहाँ डायरेक्ट जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, और स्पेस देखें तो इनका स्पेस ये है, इसका स्पेस ये है, तो सबके लिए स्पेस क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, है ना। तो ऐसी जो आपके पास ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लिया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इन अ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज एंड द फील्ड लाइन्स आर नॉट पैरेलल। इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो पैरेलल हों ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म में पैरेलल होंगी, और डायरेक्शन भी सेम रहेगी, और जो डिस्टेंस है वो भी सेम। बस इसमें नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो पैरेलल भी नहीं होंगी, डिस्टेंस भी सेम नहीं रहेगा, और डायरेक्शन भी सेम नहीं रहेगी। तो ऐसा जो फील्ड है उस फील्ड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए, डायग्राम बनाएं तो बेटा वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शन में, सेकंड दिस डायरेक्शन, थर्ड इज दिस डायरेक्शन, फोर्थ इज दिस डायरेक्शन। तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, डिस्टेंस अलग है, नहीं क्या। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। उससे नेक्स्ट हम जो है पढ़ने वाले हैं वो है किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, है ना। एक कोई पॉइंट चार्ज है तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसको हम मेजर करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो लेट अस कंसीडर हेयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू एंड सम डिस्टेंस, हेयर इज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल आर डिस्टेंस। ओके, सो इस पॉइंट चार्ज के लिए ये टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, ऑलवेज टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और कैसा होता है, यूनिट होती है इसकी वैल्यू वन, और कैसा इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होता है ये, है ना। तो यहाँ ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे, तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी रिपेल की, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिपेल फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, तो इसको उधर धकेलेगा कि नहीं, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है कल हमने पढ़ लिया उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर ही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन जिधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होती है, क्लियर है। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी,
और फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, क्लियर है। तो फोर्स कंसीडर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू बताओ बेटा 1/4πε0 चार्जेस बोलो Q and Q0। टू चार्जेस कौन कौन से है, Q और Q0, ओके। एंड अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर, इन डायरेक्शन इज आर कैप, डायरेक्शन इज आर कैप। डायरेक्शन को जब भी वेक्टर पॉइंट फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ध्यान रखना है यहाँ वेक्टर साइन लग जाता है और यहाँ कैप लग जाता है, यूनिट वेक्टर। आर कैप किसको शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। आर कैप यूनिट वेक्टर किसको शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को। आर कैप को क्या बोलते हैं बेटा, आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर। और आर कैप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, मैंने बताया था 11th में आपने पढ़ रखा, आर वेक्टर अपॉन आर, ओके। ये आ गया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया हमारे पास फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, और चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज। चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज। प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये वाला हमने कंसीडर कर लिया भाई, क्लियर है ना। ये दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E = 1/4πε0 Q into Q0 upon R² into R cap into Q0 का डिवाइडेशन करना है तो 1/Q0। Q0 से Q0 क्या आ जाएगा बेटा, कैंसिल, क्लियर है। सो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास आ जाएगा E = 1/4πε0 Q / R² into R cap। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्लियर है। इन दिस फॉर्मूला E इज एंटी प्रोपोर्शनल 1/R², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली एंटी प्रोपोर्शनल किसके, 1/R². तो इसमें ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ क्या जाएगा बेटा, E और R में ग्राफ देखें, ये R डिस्टेंस और इधर है आपके पास E, और एंटी प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, बोलो नहीं क्या। और 1/R में ग्राफ देखें तो ध्यान से समझना, E इधर E है और इधर है आपका 1/R, तो 1/R के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो यहाँ स्ट्रेट लाइन, बोलो नहीं क्या। इधर बना देता हूँ, थोड़ा हट गया यहाँ से, हाँ दिख नहीं रहा आपको। तो ये 1/R का ग्राफ और E का ग्राफ कैसा आएगा, 1/R तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सिंपल R की बात करें तो R क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल, तो ये आ जाएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये ग्राफ आ गया आपका, ये आ गया किस में आया, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो फिर हम मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें, ये चार्ज पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में हो तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो ध्यान से देखो, तो यहाँ से आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, तो E = आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 Q / R² into R cap, क्लियर है। बिकॉज वी नो दैट εE = εo(εr), एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और εr क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये अगर आप यहाँ से यूनिट वेक्टर को रिमूव करें तो फिर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, तो आएगा आपके पास E = 1/4πε0 Q / R² into R vector upon R, सो रिजल्ट इज यहाँ आ जाएगा R³।
ओके, ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर को रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।